सो हम अभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। ये मेंस एग्जामिनेशन का टॉपिक है। मेंस में टोटल हमारे पास 9 पेपर है। लैंग्वेज का 2 पेपर होता है, दैट इज पेपर ए एंड पेपर बी। पेपर ए कैन बी एनी इंडियन लैंग्वेज एंड पेपर बी कैन बी इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश कंपल्सरी। देन उसके बाद एसए का पेपर है, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4, जनरल स्टडी का पेपर एंड देन ऑप्शनल का पेपर 1 एंड पेपर 2। सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का सेक्शन आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? एसए में हेल्प करेगा। अगर सोसाइटी डेवलपमेंट रिलेटेड एसए आ रहा है तो टोटल मेंस में 8 एसए होता है, वो पूछते हैं, और उसमें से 2 एसए आपको लिखना होता है। तो आप 8 में से एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट एक सोसाइटी का आता है इनवेरिएबली, और वो काफ़ी इजी होता है। जैसे फिलोसॉफिकल एसए आपको लिखना है, टेक्नोलॉजिकल लिखना है, तो उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, एक सेट ऑफ स्किल चाहिए, बट सोसाइटी सोशल जस्टिस काफ़ी ईजी होता है। देन जनरल स्टडी 1 के अंदर 3 सेक्शन है, वन इज ऑफ हिस्ट्री, अनदर इज ऑफ ज्योग्राफी एंड थर्ड इज ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का मॉड्यूल आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। जनरल स्टडी 2 में 2-3 सेक्शन है यहाँ पे भी, एक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, दूसरा है सोशल जस्टिस एंड थर्ड है इंटरनेशनल रिलेशन, तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। सो जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 दोनों में सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस है, और ये दोनों टॉपिक ओवरलैपिंग है, इसलिए एक साथ हम इसको ले रहे हैं। सो आज का हमारा लेक्चर का एजेंडा क्या होगा? तो क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट का स्कोप कितना है, इसके लिए रेफरेंसेस क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस यूपीएससी सिलेबस में कहाँ पे मेंशन है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करें तो कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए रेफरेंसेस हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, और सब्जेक्ट का ओवरऑल स्कोप क्या है। एक चीज़ याद रखना कि यूपीएससी के सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन होता है वो बेयर मिनिमम टॉपिक होता है। जैसे उन्होंने लिख दिया चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर भी क्या क्या हमें पढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने हिसाब से सिलेबस को डिफाइन करना होगा। जैसे कि मैं अगर जब सिलेबस को देखता हूँ तो मैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि वल्नरेबल सेक्शन, तो देन आई विल थिंक हु आर द वल्नरेबल सेक्शन, यूथ, वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, डिफरेंशियली एबल, ये सारे जो है वो वल्नरेबल सेक्शन है। तो कोई भी जब टॉपिक को आप पढ़ना सिलेबस में से, तो अपने हिसाब से उसको ब्रॉड वे में डिफाइन करना। तो हमने सोसाइटी के सारे टॉपिक को ब्रॉड वे में डिफाइन किया है, तो उससे हमें पता चलेगा स्कोप क्या है पूरा सेक्शन का। ऑफिशियल सिलेबस में कौन से टॉपिक मेंशन है, तो जनरल स्टडी 1 में मेंशन है सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, इंडियन सोसाइटी का डिस्टिंग्विश फीचर क्या है, आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है, टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, सो डाइवर्सिटी इन इंडिया। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, कौन से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉपुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, चैलेंजिंग फेस करते हैं, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अभी हम इंडिया में हैं और ये जो टाइम है उसको कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म हो गया है, विच मीन्स यूएस में कोई इवेंट हो रहा है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस यहाँ पे इंडिया में होगा। मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, 2008 में मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था और उस समय ग्लोबल रिसेशन आया था, तो जिसके वजह से यूएस, यूरोप के अंदर कुछ कंपनी जो थी वो बैंकरप्ट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे कंपनी में जो कैंपस इंटरव्यू आता था, रिक्रूटमेंट आता था, तो वो 50% रिड्यूस हो गया। सिंपल टर्म्स में कहूँ कि 2007 में जितने लोगों का कंपनी कॉलेज से प्लेसमेंट होता था से 100 होता था, देन 2008 में ये डिक्रीज होकर 50 हो गया। सो यूएस में कुछ इवेंट हो रहा है, यूके में कुछ इवेंट हो रहा है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया में हो रहा है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, से ग्लोबलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी,
सीरिया में अलकायदा इस्लामिक स्टेट ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से इंडिया के स्टेट, मोर पर्टिकुलरली कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड केरला, वहाँ के अंदर भी रेडिकलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर है, इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर है, इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर है। जैसे अभी यूएस में इलेक्शन हो रहा है और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था कि यूएस इलेक्शन में अगर जो बिडेन जीतते हैं तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, डोनाल्ड ट्रंप फिर से रीइलेक्ट होते हैं तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ग्लोबल अभी वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी इवेंट होता है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम फील करते हैं। देन सोशल इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट मीन्स आपका कंडीशन इम्प्रूव हुआ, आपका स्टेटस इम्प्रूव हुआ, इसको हिंदी में कहते हैं सशक्तिकरण। देन कम्युनलिज्म, जब किसी एक रिलीजन को लेके, एक कम्युनिटी को लेके हमारे अंदर हेट्रेट आ जाता है तो उसको कम्युनलिज्म कहते हैं, और कम्युनलिज्म का एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है कम्युनल रायट, जब दो ग्रुप एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। देन वी हैव रीजनलिज्म, जैसे कि जब हम किसी एक रीजन के साथ अटैच हो जाते हैं उसको रीजनलिज्म कहते हैं। उसके बाद है सेकुलरिज्म। अभी सेकुलरिज्म टर्म को लेके महाराष्ट्र के गवर्नर और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उनके बीच में कंट्रोवर्सी है, क्योंकि महाराष्ट्र के गवर्नर ने एक लेटर लिखा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को और उनको कहा कि आप तो अब सडनली सेकुलर हो गए हैं। तो इसको लेके महाराष्ट्र के गवर्नर को क्रिटिसाइज किया गया और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और उनके बीच में कंट्रोवर्सी है। तो ये सोसाइटी रिलेटेड टॉपिक है जो जनरल स्टडी 1 में मेंशन है ऑफिशियल सिलेबस में। देन सोशल जस्टिस जनरल स्टडी 2 में कौन से टॉपिक मेंशन है। तो पहला टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरवीन करता है और देखता है कि उस फील्ड को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इश्यू अराइजिंग आउट ऑफ दैट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो पॉलिसी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का। जैसे इंडिया में वाटर का प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल वाटर पॉलिसी लेके आ गई। इंडिया में एजुकेशन का प्रॉब्लम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आ गई। सो पॉलिसी इज नथिंग बट प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी प्रॉब्लम, इट इज सॉल्यूशन। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और कौन से स्टेक होल्डर हैं डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। हमें सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है उसके लिए 3 ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए। एक है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है कंप्लीट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मशीनरी, वो स्टेट है। दूसरा हमें चाहिए प्राइवेट, और थर्ड हमारे पास है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी मीन्स एनजीओ टाइप के लोग। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन है से ट्रांसजेंडर्स है, माइनॉरिटी है, डिफरेंशियली एबल है, चाइल्ड है, वुमेन है, एल्डरली है। सो ये सब वल्नरेबल सेक्शन है, तो उनके लिए गवर्नमेंट कौन से वेलफेयर स्कीम को लॉन्च कर रही है। एक चीज याद रखना कि जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आपको उस सब्जेक्ट का स्कोप ही नहीं पता चलेगा, और फिर क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट को बिना सिलेबस को पढ़े और पढ़ने लगेंगे तो एग्जामिनेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट जस्ट चेकिंग योर नॉलेज, बट दे आर चेकिंग योर नॉलेज रिलेवेंट टू द कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस कंटेक्स्ट में आपको आंसर आना चाहिए ना। इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज, 3 मेजर सोशल सेक्टर्स है, हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर 2 टॉपिक है, सब टॉपिक है, एक है स्किल डेवलपमेंट और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। देन इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। सो जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2 में ऑफिशियली ये टॉपिक मेंशन था। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन का नेचर क्या है। पूरे अगर मेंस के आप सिलेबस को डिवाइड करो तो जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2, जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4। जनरल स्टडी 4 बहुत इजी है,
एथिक्स का पेपर है। इसके अंदर 50% क्वेश्चन केस स्टडीज के आते हैं, 50% क्वेश्चन इसके अंदर आता है कंसेप्ट का, बहुत ही ईजी है। तो जो टॉपर्स होते हैं वो इस पर टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है। देन जनरल स्टडी वन में हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट है, उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे सोसाइटी वाला सेक्शन ईजी है। जनरल स्टडी टू में सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का सेक्शन ईजी है, और जनरल स्टडी थ्री के अंदर सिक्योरिटी का सेक्शन ईजी है। तो आपको सिलेबस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, जो सबसे ईजी वाला सेक्शन है वो सबसे पहले आप कंप्लीट कर लो, और जो टफ वाला सेक्शन है वो बाद में कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि जैसे इजी इजी आपने चार पांच टॉपिक्स कंप्लीट कर दिया तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका 50% टॉपिक तो खत्म हो गया, और उसके बाद जो टफ वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे तो अगर वो सपोज 50% भी आपका होता है देन ऑल्सो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले से ही सपोज आप कोई टफ टॉपिक यूज पिक कर लेते हैं, लाइक ज्योग्राफी को, हिस्ट्री, समीर योगेंद्र मेरे को म्यूट मत करो यार, ठीक है। समीर समीर आवाज आ रहा है तुमको? योगेंद्र जी आपको आ रहा है? तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इजी वाला सेक्शन पिक करना चाहिए, क्योंकि इजी वाला सेक्शन हम पिक करेंगे तो हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर टफ वाला पोर्शन आप पिक करोगे तो आपका काफ़ी टाइम वो कंप्लीट करने में ही चला जाएगा, और फिर फ्रस्ट्रेशन में आपके बाकी टॉपिक्स भी नहीं होंगे। तो सोसाइटी सोशल जस्टिस पहले मैंने इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी ईजी इसका सिलेबस है। आप बहुत सारा इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन भी इजी आता है, सिलेबस भी इसका काफ़ी इजी है। पूरे यूपीएससी के सिलेबस को आप देखोगे तो इसमें तीन टाइप के आपको टॉपिक्स मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड टॉपिक जो सिर्फ प्रीलिम्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और थर्ड जो सिर्फ मेंस में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो पॉलिटी, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंशियंट हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में खाली आता है। मेंस के अंदर सोसाइटी, सिक्योरिटी, इसके रिलेटेड खाली कुछ एथिक्स, इसके रिलेटेड खाली क्वेश्चन आते हैं। तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का सेक्शन है ये ओनली मेंस स्पेसिफिक है। 2013 में यूपीएससी मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने सोसाइटी सोशल जस्टिस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तब से अगर देखिए कि कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, सो 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है। तो 2013 में सोसाइटी का सेक्शन 40 मार्क्स का था आउट ऑफ 250, देन 50, देन 75, 75, 60, 90 एंड 75। सो यू कैन से 250 में से 1/3 सोसाइटी वाला सेक्शन होता है। सो 1/3 अराउंड मैं कह सकता हूँ 75 जितने सोसाइटी वाले सेक्शन से होता है, और काफ़ी ईजी होता है इसके क्वेश्चन, आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। देन जनरल स्टडी टू सोशल जस्टिस के अंदर 70, 67.5, देन 75, 37.5, 75, 40 एंड 85। तो इसमें भी आप कह सकते हैं अराउंड 1/3 जितने क्वेश्चन आते हैं, वेरी करता है ईयर टू ईयर। तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों को आप ऐड कर दो तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ये ज़्यादा है, ये 160 के आसपास है, तो 150 अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। एंड बिलीव मी सोसाइटी सोशल जस्टिस के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप अगर एक बार भी पढ़ लोगे तो आपको वही एग्जाम ही सॉल्व कर पाएंगे, और ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है, ओपिनियन वाला क्वेश्चन होता है। सोसाइटी सोशल जस्टिस, एथिक्स, सिक्योरिटी,
इंटरनेशनल रिलेशन, इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज नॉट ए मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर विच यू आर कमिटिंग. हिस्ट्री ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दैट थिंग इज अ बिट टफ. बट अगर ये नहीं आता है तो यू आर मेकिंग ए ब्लंडर, यू आर कमिटिंग ए क्राइम एंड यू शुडंट डू दैट थिंग इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर मेन्स एग्जामिनेशन. सो इस वे में क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप जब एनालिसिस करोगे और सिलेबस को एनालिसिस करोगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपका डायरेक्शन सेट करेगा. सो नेवर स्टार्ट एनी टॉपिक, नेवर स्टार्ट एनी सब्जेक्ट विदाउट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हैविंग ए लुक एट ऑफिशियल सिलेबस. नाउ रेफरेंसेस क्या है सोसाइटी सोशल जस्टिस में प्रिपेयर करना है, तो कंसेप्ट के लिए ये दो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं. इंडियन सोसाइटी का है 12th स्टैंडर्ड एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इंडिया 12th स्टैंडर्ड. ये दोनों सोशियोलॉजी का टेक्स्ट बुक है 12th स्टैंडर्ड का, और कंटेम्प्रेरी न्यूज में क्या हो रहा है उसके लिए आप करेंट अफेयर्स के सोर्सेस पढ़ सकते हैं, डेट इज ए न्यूज पेपर. हमारा करेंट अफेयर्स का बुकलेट है उसको आप देख सकते हैं. सो कंसेप्ट एंड कंटेम्प्रेरी दोनों वे में क्वेश्चन इसके आते हैं. ये एनसीईआरटी बुक अगर किसी को नहीं मिला होगा तो आप ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर लेना, वहां से आपको दे देंगे ये. नाउ सब्जेक्ट का स्कोप अब हम डिफाइन करते हैं. अभी तक हमने क्या किया था, सिलेबस के अंदर देखा था कौन से टॉपिक है, अब हम उसके स्कोप को डिफाइन करते हैं. तो इसमें एक टाइप का टॉपिक है जो कंसेप्चुअल है, लाइक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है, इनइक्वालिटी क्या है. दूसरा है सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन में डेवलपमेंट करना है, हेल्थ में डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट में करना है, एम्प्लॉयमेंट में करना है. देन थर्ड है वल्नरेबल सेक्शन, वुमेन, विडो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्रांसजेंडर्स, दे आर वल्नरेबल सेक्शन. कभी कभी वल्नरेबिलिटी मल्टीपल होता है, जैसे एक शेड्यूल कास्ट की लेडी है तो इनको कास्ट इनइक्वालिटी भी बियर करना पड़ेगा, जेंडर इनइक्वालिटी भी बियर करना पड़ेगा. से ये 60 इयर्स की है तो ये ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो भी इनको बियर करना होगा, ये पुअर है तो पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको सफर करना होगा, से ये विडोवर है इनके हस्बैंड का डेथ हो गया वो भी चैलेंज इनको बियर करना पड़ेगा. तो कभी कभी जो वल्नरेबिलिटी होता है वो मल्टीपल हो जाता है, कास्ट रिलेटेड, जेंडर रिलेटेड, योर इकोनॉमिक स्टेटस रिलेटेड, योर मैरिटियल स्टेटस रिलेटेड, योर आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी आपको बियर करना पड़ता है. देन सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मीन्स एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो कैसे सोसाइटी को डेवलप करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है डेवलपमेंट को लेके, कोई पुअर सेक्शन है, कोई वल्नरेबल सेक्शन है, उसके डेवलपमेंट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है, और इंटरनेशनली हम क्या कर रहे हैं वल्नरेबल सेक्शन के डेवलपमेंट के लिए. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर बताया गया है कि सबको लिटरेसी मिलना चाहिए, मीन्स यूनिवर्सल लिटरेसी, यूनिवर्सल हंगर एबॉलिशमेंट हमें करना चाहिए, पॉवर्टी को हटा देना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज सबको मिलना चाहिए. सो व्हाट आर द इंटरनेशनल इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन, तो ये सिलेबस का स्कोप है. अब डिटेल में इसको देखें तो कंसेप्ट के अंदर है सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, मैंने आगे बताया था. व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर, व्हाट आर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पे भी हुआ है, इंडियन सोसाइटी पे भी हुआ है, इंडियन इकोनॉमी पे भी हुआ है, बट यहाँ पे हम सिर्फ सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखेंगे. इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन जनरल स्टडी 3 के अंदर मेंशन है, तो वो जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपके इकोनॉमिक के लेक्चर लेंगे उसके अंदर वो आपको समझा देंगे. सोशल एम्पावरमेंट, देन सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है, केरला डेवलप है बिहार डेवलप नहीं है, सो रीजनल इम्बैलेंस है. से गुजरात के अंदर डेवलपमेंट है बट गुजरात का जो साउथ गुजरात का पोर्शन है, सेंट्रल गुजरात का पोर्शन है, वो ज़्यादा डेवलप है कंपेयर टू वेस्ट गुजरात, कच्छ सौराष्ट्र का रीजन. सो रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन इनइक्वालिटी. देन डेवलपमेंट सेक्टर, कौन से सेक्टर हैं जो डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है,
that is poverty, education, health, employment, skill development, population control, hunger and nutrition, social security like a pension, provident fund facility, housing, sanitation, drinking water, rural development, urban development. So ye sare sector hai jahan pe hume development karna hai. Then vulnerable section, kon kon vulnerable section hai? Vulnerable section ko marginalized section bhi kehte hain, kyunki ye society ke margin mein rehte hain, society ke mainstream mein nahi rehte hain. एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आप अभी एजुकेटेड हैं, आप अभी हेल्दी हैं और आपके पास कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ऐसे रिजल्ट आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपने लाइफ के प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट आपका एजुकेशन 8 तक ही कंप्लीट हुआ होता, या आप ग्रेजुएट होते हैं बट आपके फैमिली के पास 1 रुपया भी नहीं होता आपके एजुकेशन पे स्पेंड करने के लिए, तो आप कैसे अपने लाइफ के प्रोस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूपीएससी का प्रिपरेशन कर पाते हैं. सो वल्नरेबल सेक्शन वो होते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल स्टेटस. वुमेन है, चाइल्ड है, ओल्ड एज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, डिफरेंशियबल. डिफरेंशियबल में भी दो लोग हैं, एक फिजिकली डिफरेंशियबल जैसे जिसको चलने में प्रॉब्लम है या कोई देख नहीं पाता है, और दूसरा है मेंटली रिटार्डेड यानी जिसका ब्रेन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता. देन ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी कम्युनिटी, LGBT का फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग वर्क करते हैं, जैसे कि जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंटरनल माइग्रेंट्स हैं. लॉकडाउन के टाइम आपने देखा होगा कि जो माइग्रेंट्स हैं वो थाउजेंड किलोमीटर चल के बड़ी बड़ी सिटीज से अपने गाँव में रिटर्न जा रहे थे क्योंकि सिटीज में अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं था. एल्कोहलिज्म एंड सब्सटेंस अब्यूज. एल्कोहलिज्म मीन्स एल्कोहल को कंज्यूम करने के बाद उसका रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम, सब्सटेंस अब्यूज लाइक ड्रग को कंज्यूम करने के बाद उसका सोशल प्रॉब्लम. देन सिविल सोसाइटी. सिविल सोसाइटी के अंदर एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ट्रस्ट है, डोनर है, चैरिटी है. अब इन सबका मैं मीनिंग नहीं बताता हूँ, इसके लिए अम्ब्रेला टर्म है सिविल सोसाइटी. जब हम इसको देखेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा. देन इंटरनेशनल. सो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है. इंटरनेशनली दो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी क्रेडिबल है, UNDP और UNEP. इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम का ग्रेविटी जानना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन डालना है, आप UNEP के वेबसाइट पर जाओ, आपको मिल जाएगा. वर्ल्ड में सोशल एंड इकोनॉमिक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप UNDP पे जाओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वहां से आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है. 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने डिफाइन किया था. ये इसके अंदर टोटल 17 गोल है जो हमें 2030 तक अचीव करना है. अगर हम उसको अचीव कर पाएंगे देन हम अपने डेवलपमेंट इंडिकेटर को अच्छे से इम्प्रूव कर दिया हमने. सॉफ्ट लोन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सॉफ्ट लोन देती है. सॉफ्ट लोन मीन्स लोन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन एट वेरी लिबरल कंडीशन. कंट्रीज को देती है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन को देती है ताकि वो डेवलपमेंट कर पाए. नाउ ये तो हमने देखा कि ओवरऑल पेपर में क्वेश्चंस कितने आते हैं, सिलेबस का स्कोप क्या होता है. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सोसाइटी होता क्या है, तो क्या होता है सोसाइटी, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन सोसाइटी. जैसे ये पिक्चर मैंने प्लेस किया है तो ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है. सो हाउ यू कैन डिफाइन सोसाइटी. हेलो सर, गुड इवनिंग. यस वासुदेव, गुड इवनिंग, बताओ. इस सोसाइटी मतलब एक प्री डिफाइंड लोकेशन में एक डिफाइंड हैबिटेट जहाँ पर लोग रहते हैं और अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं जब, और एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिनका हो सकता है. फिर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी वहाँ पे, हेल्थ सेक्टर है, हॉस्पिटल्स होंगे, एजुकेशन होगा, और नहीं, सबको
पर ये तो देखो डेवलपमेंट हो गया ना वासुदेव। जैसे मैं सिंपल से पूछता हूँ कि सोसाइटी होता क्या है, तो जैसे तुम बोलते हो कि वहां पे लोग रहते हैं, डेट इज करेक्ट, बट उसके अलावा एक मेजर पॉइंट तो मिस कर रहे हो, बाकी सब सही है, एक मेजर पॉइंट मिस कर रहे हो। जैसे इस पिक्चर को देखो और पिक्चर को देखो, वेयर ऑल द एज ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप, रीजनल ग्रुप्स लिव टुगेदर एट अ प्लेस, दैट इज डाइवर्सिटी। ओके, सपोज इन सोसाइटी एवरीवन इज सेम, देन सोसाइटी कैसा हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। बट इन सोसाइटी समवन इज हिंदू, समवन इज मुस्लिम, समवन इज मेल, समवन इज फीमेल, समवन इज ट्रांसजेंडर, कोई चाइल्ड है, कोई ओल्ड एज है, कोई यंग है, कोई कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, देन वी विल से सोसाइटी इज मल्टी डायमेंशनल डाइवर्सिटी। अखिल आप तो मतलब ये हाउसिंग सोसाइटी का डेफिनेशन बता रहे हो, मैनी फैमिलीज लिविंग टूगेदर, वो तो हाउसिंग सोसाइटी का हुआ ना। ये पिक्चर को देख के कुछ इन्फ्लुएंस आप निकाल सकते हैं, एनीवन? सोसाइटी सर सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं? नहीं, वो तो सेकुलरिज्म हो गया ना, फिर तो साथ में रहते हैं, ये तो करेक्ट है, ये डेफिनेशन तो करेक्ट है। अब अलग अलग लोग भी साथ में रह सकते हैं, एक तरीके से लोग भी साथ में रह सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ आएगा। यस मिलन सर, सोसाइटी में भी डिफाइंड एज अ ब्रॉड कांसेप्ट व्हिच इंक्लूड्स आवर सराउंडिंग इन व्हिच वी आर ग्रोज। नहीं, दैट इज एनवायरनमेंट, द थिंग व्हिच इज इन योर सराउंडिंग, दैट इज एनवायरनमेंट, है ना सर? यस ध्रुव, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर विद कोऑपरेशन, coordination, and sir, they respect the dignity of each other. Correct. Only in society means where everyone is interacting with other. Society का मतलब होता है interaction. जहाँ पे लोग रहते हैं, that is known as a habitat. But वो लोग एक दूसरे के साथ interact भी तो करते हैं ना? तो habitat plus interaction is known as society. और इसमें ऐसा है कि जो एल्डरली है, जैसे मेरे घर में कोई दादाजी दादी जी हैं, तो मुझे उनकी एडवाइस की ज़रूरत है, मैं जो पैसे अर्न कर रहा हूँ उससे मैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में रिलेशन है। लाइक मैं अपने दादाजी से एडवाइस ले रहा हूँ और मैं अपने दादाजी को पैसे दे रहा हूँ उनके रिक्वायरमेंट के लिए। तो सोसाइटी का डेफिनेशन है, सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शन। लाइक मैरिज का फंक्शन हुआ, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, सो वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर। तो समझ में आया सोसाइटी क्या होता है? तो सोसाइटी डजंट मीन ओनली रेसिडेंस, ओनली हैबिटेट, सोसाइटी मीन्स इंटरैक्शन, हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डैट इंटरैक्शन कैन बी इक्वल, डैट इंटरैक्शन कैन बी अनइक्वल। ओके, अब दूसरे टर्म का डेफिनेशन हम समझते हैं, डैट इज सोशल जस्टिस। अब ये सोशल जस्टिस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सोशल? सोसाइटी में जितने भी, यस बोलिए वासुदेव। यस सोसाइटी में जितने भी डाउनट्रोडन, पर्सिक्यूटेड लोग होते हैं, उनके लिए उनके जस्टिस, उनके जो राइट्स हैं उनको वापस उनको प्रदान करने के लिए परसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज को पैदा करना, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है उन राइट्स के लिए, उनका अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाना। करेक्ट, ये भी हो सकता है एक डेफिनेशन। और कुछ जस्टिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, फेयर चांस, फेयर चांस। ओके, तो जस्टिस का मतलब हो गया फेयरनेस। सो सोशल जस्टिस का मतलब हुआ सबको हम फेयर वे में ट्रीट करते हैं। जैसे कोई वुमेन है उनको हम फेयर वे में ट्रीट करते हैं, कोई ट्रांसजेंडर है उनको हम फेयर वे में ट्रीट करते हैं। तो सोशल जस्टिस का मतलब है जिसको जो मिलना चाहिए, जो उसका राइट है, वो उसका राइट अपहोल्ड होना चाहिए। लाइक आप सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट करो। जैसे आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहा है, उसको आपको 2000 रुपीज सैलरी देना है, तो आप उसको रेस्पेक्टफुली ऐसे दे दो या फिर आप पैसे को थ्रो कर दो, बोला कि ले जाओ पैसे, है ना? तो दोनों केस में तो आप उसको 2000 रुपीज दे ही रहे हो, बट सेकेंड केस में डेट इज नॉट विथ रेस्पेक्ट। से आपकी मम्मी आपको खाना दे रही है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, मम्मी ने थाली दे दिया या फिर मम्मी ने किचन से थाली फेंक दिया आपके ऊपर, वो कैसा लगेगा? सो जस्टिस का मतलब होता है लोगों को आप फेयर वे में ट्रीट करो, और सोशल जस्टिस मीन्स जो
राइट है आपका वो सारा राइट अपहोल्ड होना चाहिए, डेट इज डिग्निटी, डेट इज इक्वालिटी, ये सारा अपहोल्ड होना चाहिए. सो सोशल जस्टिस इज अ कंसेप्ट ऑफ अ फेयर एंड जस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. मैं किसी को अगर प्रॉपर वे में रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, प्रॉपर वे में किसी के साथ रिलेट नहीं करता हूँ, तो डेट इज नॉट जस्टिस. सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस. इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे.